आगे बढ़ते हैं और अब रुकेंगे कोरबा की ओर, जहां लापता एंकर सलमा केस में एक बड़ा खुलासा हुआ है। कोरबा दरी मार्ग पर सलमा के शव को दफनाया गया, इस बारे में कहीं ना कहीं संकेत पाए गए हैं। सैटेलाइट इमेज के जरिए पेड़ भी नजर आया। फोर लेन सड़क बनने के बाद से ही भौगोलिक स्थिति बदली हुई थी और इसी वजह से पुलिस के लिए काफी मुश्किल भरा साबित हो रहा था इस पूरे मामले को लेकर जानकारी जुटाना, लेकिन सही जानकारी मिलने के बाद ही यहां पर खुदाई की जाएगी, ये भी बताया गया। 2018 में न्यूज एंकर सलमा लापता हुई थी और उसके बाद अब इस जांच को लेकर नया मोड़। पुलिस के हाथ एक और सुराग लगा है, सैटेलाइट इमेज के जरिए पेड़ देखा गया है, ये भी देखा गया है कि भौगोलिक स्थिति बदली और इसी वजह से परेशानी उस स्थल को ढूंढने में आ रही थी जहां पर शव को दफनाया होने की आशंका है। जशपुर में पिछले 7 साल से अधूरी पड़ी हर्रा पाट से सोनक्यारी तक की 9 किलोमीटर की सड़क जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी। इसके लिए 11 करोड़ की राशि की मंजूरी भी दी जा चुकी है और जल्द ही ये बहुप्रतीक्षित सड़क बनने वाली है। इसके बाद मनोरा और बगीचा विकासखंड के लोगों को रोजाना धूल झेलने से आजादी मिल पाएगी। जशपुर विधायक विनय भगत ने इस बहुप्रतीक्षित सड़क का भूमि पूजन किया है। मैं यहाँ का सरपंच हूँ और यहाँ रोड के लिए बहुत परेशान थे, अभी भैया आए हैं तो बनवा दे रहे हैं, तो हम लोग बहुत खुश हैं। कैसे परेशानी होती थी आपको? धूल से बहुत परेशान थे, आवागमन में भी दिक्कत होती थी। हाँ, बहुत दिक्कत होती थी, आने जाने में भी बहुत परेशानी थे। देखिए, यहाँ स्वीकृति जो मिली है 9.5 किलोमीटर की पूरी स्वीकृति मिली है और लागत 11,49,37,000 रुपया का ये रोड बनेगा, बहुत सुंदर रोड बनेगा। छत्तीसगढ़ सरकार जहां गांव के आधारभूत संरचना को लेकर कटिबद्ध है, तो वहीं लोक निर्माण विभाग की लापरवाही के चलते विकास के काम अड़ंगा लगाए जा रहे हैं इन कामों में। ताजा मामला मनेतगढ़ चिरमिरी भरतपुर के बेलका मार्ग का है। 6 करोड़ रुपए से अधिक राशि से सड़क और पुलिया का निर्माण हो रहा है, लेकिन इस निर्माण की गुणवत्ता का अंदाजा यहां इस तस्वीर के जरिए आप लगा सकते हैं। सड़कों को देखिए, किस तरह से रेत की तरह छूने पर हाथ में आ जाती है। पुलिया निर्माण में गुणवत्ता विहीन मटेरियल का उपयोग देकर ग्रामीणों ने भी इसकी शिकायत जिला पंचायत अध्यक्ष रेणुका सिंह से की है। जिला पंचायत अध्यक्ष ने खुद मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्यों का जायजा लिया। इसके बाद इसकी शिकायत पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू से की गई। अब देखने वाली बात यह होगी कि पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू तक शिकायत होने के बाद मामले में क्या और कब तक कार्रवाई होगी। भूसकी डाड़ और बेलका मार में, जो बेलका मार से जो भूसकी डाड़ तक जो रोड जा रहा है वो बहुत ही गुणवत्ता विहीन है और मैं इसका हमेशा बीच बीच में आते रहती हूँ और इसकी शिकायत भी कलेक्टर सर से भी की हूँ और एसडीओ को मैं अपने सामान्य सभा के बैठक में भी बोली, तो एसडीओ सर का जवाब था कि हमारे पास उतना वित्त नहीं है और ऐसा बनाने का हमको आदेश मिला है। पूरा ध्यान देता है, अभी एक सड़क की बात आई थी, मैंने अपने अधिकारी से पूछा, पहले से निर्देश है कि अगर इस प्रकार की शिकायत है तो पूरा सड़क बंद करा दो और नए सिरे से उसको उखाड़ के चलाओ। पूरा का पूरा सड़क एकदम उखड़ता जा रहा है। तो दिया पर पूरा सख्त आदेश है, काम बंद करा दिया गया है। मेरे अधिकारी ने मुझे अभी बैठक में जानकारी दी, अब उसको जांच करके कार्रवाई करने के लिए। इधर राजनांदगांव के डोंगरगढ़ में इन दिनों रेलवे पार्किंग से गाड़ियों की हो रही लगातार चोरी को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए हैं। राजनीतिक दल जेसीसीजे के कार्यकर्ताओं ने सहायक मंडल इंजीनियर डोंगरगढ़ के कार्यालय पहुंचकर इस दौरान पुंगी बजाकर रेलवे प्रशासन को जगाने की भी कोशिश की और साथ ही चोरी की घटनाओं को लेकर ज्ञापन सौंपने के लिए अधिकारियों से मिलना भी चाहा। अधिकारियों को ज्ञापन सौंपने की सूचना दे दी गई थी और उसके बाद भी उनका ज्ञापन लेने के लिए कोई जिम्मेदार वहां पर नहीं पहुंचा। इसके बाद लोगों ने रेलवे पर लापरवाही का आरोप लगाया। रेलवे परिसर से गाड़ियां चोरी हो रही है जिसमें ना ही इनके यहाँ के अधिकारी ध्यान दे रहे हैं और ना ही इनके पुलिस ध्यान दे रही है। लगातार चोरी की शिकायत मिल रही है। हमारा कहना यह है कि आप पार्किंग को बंद कर दो या फिर पार्किंग को कोई एक ऐसे व्यक्ति को वहाँ पे बताया जाए जैसे पहले आप लोग द्वारा किया जाता था और पार्किंग सुचारू रूप से चलाया जाए, आम जनता उसका जो भी किराया देने के तैयार है। इधर गरियाबंद के देवभाग में अस्पताल में भारी लापरवाही का मामला सामने आया है। 2 अलग अलग मामलों में जच्चा और बच्चा के इलाज के दौरान मौत हो गई है। आपको ये भी बताएं कि यहां राजनांदगांव के राकेश ने अपनी पत्नी को देवभोग अस्पताल में भर्ती करवाया था, एक एम्बुलेंस समय पर नहीं मिलने की वजह से देरी हुई, राकेश के बच्चे की मौत हो गई। और झाकरपारा में ही रहने वाले दिनेश विश्वकर्मा की पत्नी के प्रसव के दौरान उनके बच्चे के नाल काटने में लापरवाही हुई, इसके चलते प्रसूता की तबीयत बिगड़ी, उसकी मौत हो गई।
आज झाकरपारा में जनसमस्या निवारण शिविर में मामले की शिकायत भी की गई। मामले का खुलासा हुआ तो एसडीएम अर्पिता पाठक ने देर रात अस्पताल पहुंचकर मामले की जांच करने के निर्देश दिए। इधर मुंगेली के लोरमी में मनियारी नदी में डूबने से तीन लोगों की मौत हो चुकी है। मौत के बाद रवेली गांव में मातम पसरा हुआ है। आपको बताएं कि 8 साल के दो चचेरे भाई बहन जो कि नदी पर नहाने के लिए गए थे, दोनों बच्चे नहाते नहाते पानी में डूब गए। डूबते देखकर उनको एक महिला रिश्तेदार ने बचाने की कोशिश भी की, लेकिन वो खुद भी बच्चों के साथ डूबने लगी। इन तीनों को आसपास मौजूद लोगों ने बाहर निकाला, एम्बुलेंस की मदद से लोरमी अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने दोनों बच्चों और महिला को मृत घोषित कर दिया है। मामले के बाद पलोरमी पुलिस अब जांच में जुटी गई। उसमें घटना में आराध्य कश्यप लड़की का नाम है, अक्षत कश्यप लड़की का नाम है, दोनों की उम्र 8 वर्ष बताई जा रही है, और शकुंतला कश्यप महिला का नाम है जिसकी उम्र 38 वर्ष बताई गई है। ये लोग नहाने गए थे मनियारी नदी में, और उसके बाद फिर वहाँ पे ये डूबने लगे, तो इनको बचा के लाए गए हॉस्पिटल, जहाँ पे इनका इलाज दौरान बता रहे हैं कि ब्रॉडबैंड थे, मृत्यु इनकी पहले ही हो चुकी थी। अभी तक प्राइमरी फेस से इतनी ही इन्फॉर्मेशन मिली। और उधर कांकेर में नक्सलियों ने जमकर तांडव मचाया। सड़क निर्माण में लगी करोड़ों रुपए की गाड़ियों में आग लगा दी। कोपिनगुड़ा गांव के पास प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क का निर्माण चल रहा था, और नक्सलियों ने तांडव मचाते हुए दो ट्रैक्टर्स, दो ट्रक, पोकलेन मशीन और रोड रोलर को आग के हवाले कर दिया। नक्सलियों के तांडव से सड़क निर्माण में लगे ठेकेदार और मजदूरों में भी डर का माहौल है। नक्सल वारदात की जानकारी मिलते ही इलाके में सर्च अभियान तेज कर दिया गया है। हमारे पास सूचना आई थी कल, नक्सलियों ने छोटे बेटिया थाना क्षेत्र में कोटरी नदी के आगे कोपिनगुंडा गांव में, जो कि मार्ग क्षेत्र में पड़ता है, उसमें PMGSY का रोड का काम चल रहा था, जिसमें 6 गाड़ियों को आगजनी की घटना हुई है, जिसके लिए हमारे द्वारा विशेष नक्सल अभियान चलाया जा रहा है, और जल्द से जल्द इसमें कुछ रिजल्ट मिलेगा। क्या अज्ञात नक्सलों के खिलाफ कुछ मामला दर्ज हुआ? अज्ञात नक्सलों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया जाकर अग्रिम कार्रवाई जारी है। और उधर राजनांदगांव की चिखली पुलिस ने लूट गैंग के 4 आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। लुटेरों ने 24 मई को 9,60,000 रुपए की घटना को अंजाम दिया था, चोरी की घटना थी। मामले में FIR दर्ज कराई गई और लंबी जांच के बाद पुलिस ने 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से 3,02,000 रुपए और एक बाइक जब्त की गई है। फिलहाल इधर धमतरी में नौकरी के नाम पर ठगी का मामला सामने आया। 7 आरोपियों ने एक युवक से 5,80,000 रुपए ठग लिए। युवक को पशु चिकित्सा विभाग बिलासपुर में सहायक Grade 3 में नौकरी दिलाने का झांसा दिया गया। झांसे में आए युवक को जब ठगी का पता चला तो उसने पुलिस में शिकायत की। इसके बाद पुलिस ने जांच कर मामले के 4 आरोपियों को धर दबोचा। 2 अभी भी फरार है, तलाश जारी है। और बात राजनांदगांव की करेंगे, जहां के जिला अस्पताल का हाल बेहाल है। मरीजों को एक्सरे तक की सुविधा यहां पर नहीं मिल पा रही है, क्योंकि अस्पताल में एक्सरे की मशीन खराब पड़ी है। ऐसे में लोगों को निजी सेंटर्स में एक्सरे करवाकर 3 गुना अधिक कीमत चुकानी पड़ रही है। मामले में अस्पताल के सिविल सर्जन का कहना है कि मशीन बहुत पुरानी होने की वजह से खराब हो गई है। नई मशीन के लिए प्रशासन को लिखा गया है, जल्द ही नई मशीन भी मिल जाएगी।